गाइज ये है पानी, और सोचो अगर आप पानी के भरे हुए एक स्विमिंग पूल के अंदर कूदते हो तो क्या होगा? सोचो गाइज क्या होगा? सिंपल सी बात है, आप उस पूल के अंदर डूब जाओगे। गाइज हम में से हर कोई कभी ना कभी सोचता है कि हम पानी के ऊपर कूदें और उसमें डूबे नहीं, या फिर पानी के ऊपर चल सके। लेकिन गाइज ऐसा जो है रियल लाइफ में कभी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो पानी है वो एक लिक्विड होता है। अगर हम इस पे चलने की कोशिश करेंगे तो हम अंदर डूब जाएंगे। लेकिन एक ऐसा लिक्विड भी होता है जो कि ऐसा नहीं करता है, यानी कि वो एक ऐसा लिक्विड है जिसके ऊपर आप अगर कूदोगे तो उसके अंदर नहीं जाओगे, उसके ऊपर अगर आप चलोगे तो अंदर नहीं डूबोगे। वो उस लिक्विड के ऊपर, अगर वो चाहेगा तो आप उसके अंदर डूब जाओगे, नहीं चाहेगा तो नहीं डूबोगे। तो आज हम एक ऐसा ही स्विमिंग पूल बनाने वाले हैं, और वीडियो के लिए जो है वो लाइक का बटन गाइस जरूर से दबा देना। ये लेके मैं क्यों खड़ा हूं? चलो गाइस जो भी है इंस्टाग्राम का यूजर नेम यहां पर आ रहा होगा amit.yt, वहां पर भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि रेगुलर अपडेट्स वहां पर आती रहती है गाइस। गाइस जो चीज हम आज बनाने वाले हैं उसको बोलते हैं ओब्लेक, जो कि होता है एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन जो फ्लूइड्स होते हैं ना, कि ऐसे लिक्विड जो कि नॉर्मली बिहेव करते हैं, पानी को अगर आप नीचे डाल देंगे तो वो बहेगा, अगर आप पानी के अंदर कोई चीज डालेंगे तो नीचे डूब जाएगी, हल्की होगी, और अगर भारी होगी तो ऊपर तैरेगी। ये सिंपल नॉर्मल लिक्विड्स होते हैं। लेकिन गाइस कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं, कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जो कि इससे उल्टा बिहेव करते हैं, यानी कि वो जो है न्यूटन के जो लॉज होते हैं आप ये मान लो कि उनको फॉलो अच्छे से नहीं करते हैं, तो उनको बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। तो उसमें से एक आता है ओब्लेक। हमने आपको एक बार आलू के स्टार्च से जो है ओब्लेक बना के भी दिखाया था, लेकिन आज हम पूल बनाने वाले ओब्लेक का। तो यहां पर गाइस बहुत सारी स्टार्च जो है वो हम लेकर के आ चुके हैं। ये है भाई साहब पूरी की पूरी 400 किलो स्टार्च, और 400 किलो स्टार्च से बनाएंगे पूरा पूल, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको एक बेसिक जो है एक बार दिखा देता हूं बना करके ये कैसे बनता है, छोटे लेवल पे, फिर बड़े पे करेंगे और हमारे लिए भी एक टेस्टिंग हो जाएगी कि ये चीज बढ़िया से काम कर रही है। इस एक कट्टे के अंदर है भाई साहब 50 किलो स्टार्च। तो गाइस जो स्टार्च होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, और मैं आपको बता दूं ये कोई केमिकल नहीं है, इसलिए इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर आप सोच रहे हो मैंने अपने हाथ क्यों डाल दिए, दिस इज कम्प्लीटली सेफ। और अब इसके अंदर मिलाएंगे नॉर्मल सिंपल वाला पानी। अब इन दोनों को मिक्स करना है और देखते हैं कि जादुई जो लिक्विड है वो तैयार होता है नहीं। गाइज इनको मिक्स करना थोड़ा सा महाभारत है, बड़ी मुश्किल से मिलता है यार ये। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपके सामने जो ओब्लेक है वो बना दिया। आप लोग देखो कि अगर आप ऐसे देखोगे तो ये जो है नॉर्मल दूध की तरह एक लिक्विड लगेगा। इसके अंदर अपने फिंगर्स डालूंगा तो आप लोग देखोगे आराम से इसमें डूब गई, और जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये जो है इससे बाहर भी आ जाएगी। लेकिन जब मैं इसमें जोर से फिंगर्स डालूंगा ऐसे ऐसे, तो ये जो है इसके अंदर नहीं घुस पा रही है गाइज। अगर मैं इस पे मुक्का भी मार रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं पंच मार रहा हूँ इसके ऊपर, और जो मेरा पंच है वो भी अंदर नहीं घुस पा रहा। सोचो जब मैं इसको जोर से दबा रहा हूँ तो मेरा जो हाथ है वो इस लिक्विड के अंदर नहीं जा रहा। बड़ा पूल बनाना स्टार्ट करते हैं गाइज। ये है एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, लेकिन इसमें आज पानी नहीं भरेगा, पहले हवा भरेगी फिर ओब्लेक भरेगा। बस भाई साहब ये है एक सीमेंट मिक्सिंग मशीन जिसके अंदर कंक्रीट का मसाला मिलता है, लेकिन आज यही यूज आएगी। अंदर से हमने इसको एकदम बढ़िया से साफ कर लिया है ताकि ये जो है सीमेंट मिक्स ना हो हमारे ओब्लेक के अंदर। अब इसमें डालते हैं पानी, इसमें डालते हैं स्टार्च, ये मिला देगा, फिर डालेंगे पूल में। तो गाइस अब डालते हैं इसके अंदर स्टार्च, आराम से बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। तो गाइज इसके अंदर हमने दो कट्टे डाल दिए, यानी कि करंट क्यों आ रहा है यार, हमने इसके अंदर 100 किलो जो स्टार्च है वो डाल दिया और पानी डाल दिया। मशीन को चलाते हैं। The next day. तो गाइस कल जो है
अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो पाई थी, हमको अंदाज़ा लगाने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हमने इसमें डाली थी कि कितना पानी चाहिए, कितना देर मिलाना है, ये कैसे मिक्स होगा। तो कल जो है दिन निकल गया और आज हम फिर से जो है आ चुके हैं और आज ये जो है बढ़िया से मिक्स हो चुका है। तो अब डालते हैं इसको हमारे पूल के अंदर, चलो झुकाओ इसको। तो गाइस फिलहाल जो उब्लक है वो भर रहा है पूल के अंदर, ऊपर से जब गिरता है तो टुकड़े की तरह गिरता है और नीचे आने के बाद में लिक्विड की तरह बह रहा है। देखो क्या बात है। तो गाइस फाइनली 400 किलो स्टार्च और 200 लीटर से भी ज्यादा पानी को मिलाने के बाद में बन चुका है उब्लक पूल आप लोगों के सामने। और ये जो है गाइस तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, तो अब बारी है सिर्फ टेस्टिंग करने की। तो गाइस अब मैं जाने वाला हूँ इस उब्लक पूल के अंदर और आप लोग देखना, मैंने अपने इस जो है इसके अंदर अपना पैर डाला और गाइस क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए कि जो है मेरा पैर इसके अंदर चला गया। आप लोग देख सकते हो इसमें जो है कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अलग बात नहीं है, ऐसा ही होता है गाइस जब हम पानी में घुसते हैं, किसी चीज में घुसते हैं। देखो मेरे जो दोनों पैर हैं वो इस पूल के अंदर डूब गए, अच्छे से देख लो गाइस, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके अंदर खड़ा हूँ, मुझे फील हो रहा है, नॉर्मली फील हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हिल भी रहा है, इसमें लहरें भी आ रही है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन भाई मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये जो है नॉर्मल नहीं है, ये बहुत अलग है, अब देखना गाइस। तो भाई मैं आ गया हूँ इससे बाहर और अब देखना, मैं फिर से जा रहा हूँ, अभी आपके सामने डूबा था और गाइस अब देखो। ये वही पूल है जिसमें मैं अभी डूबा था और अब जो है मैं इसके ऊपर भाग रहा हूँ आपके सामने। चाहूँ तो मैं बाहर भी निकल सकता हूँ। देखो गाइस इतना देर इसके ऊपर रह के मैं बिना डूबे आ गया और चाहूँ तो दोबारा से घुस जाऊंगा। देखो ये देखो, और अब जो है मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ गाइस। ये मैं रुका और ये मैं गया। जब तक मैं ऊपर था ठीक है, नीचे नहीं जा रहा था, लेकिन जब मैं अंदर गया तो बाहर निकलना जो है बहुत मुश्किल होता है और बहुत दम लगाना पड़ता है। ये जो लिक्विड है ना, ये इस तरीके से बिहेव करता है जैसे ये सॉलिड हो, जब इसके ऊपर कोई दम लगता है, इस पर कोई फोर्स लगती है। जैसे कि जब मैं चल रहा हूँ तो जो है मेरे पैर इसको दबा रहे हैं, पैरों की वजह से एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से लिक्विड जो है वो ये समझ जाता है कि मैं लिक्विड नहीं हूँ, मैं सॉलिड हूँ। लेकिन जैसे ही फोर्स बंद होती है, कम होती है, वैसे उसको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो लिक्विड हूँ, डुबा देता हूँ इसको। और गाइस ये जो है काम करता है, तो इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाना भी जरूर से बनता है। अब घुसेंगे इसमें एक से ज्यादा लोग, जगह कम बचेगी। 3, 2, 1 गो। और भाई देखो 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 इस लिक्विड के पूल में फिलहाल 3 लोग, बस भागना पड़ रहा है। ओए आराम से चलेंगे ना तो भी बच जाएंगे, लेकिन बस पैर रोकना मत एक जगह, और यही इसकी खासियत है, पैर रोकना नहीं है कहीं भी, जहां पैर रुका वहीं दस जाएगा। अरे यार गाइस ये दूध जैसी चीज दिखती है, लगता है कि दूध का भरा हुआ है, हिलता भी रहता है, लेकिन जब चलते हैं तो बच जाते हैं। और गाइस तीनों लोग रुक गए। जब मैं इसको ऐसे करूंगा ना, देखो देखो ये देखो, ये जो चीज है ये सॉलिड की तरह लगती है, लेकिन जैसे ही इसको हाथ में पकड़ते हैं ये बह जाती है एक लिक्विड की तरह। गड़ गयो कम्ब हमारो, हिम्मत हो तो उखाड़ो अंगद बीच सभा में। गाइस क्या होगा अगर इस पूल के अंदर मुक्का मारा जाए तो? नॉर्मली जब हम पानी के अंदर मुक्का मारेंगे तो हाथ अंदर घुस जाएगा, लेकिन इसमें देखते हैं क्या होता है। एक हाथ मारेंगे, 3, 2, 1 गो। ओ बॉयज ऑफ, यहां पर जो मुक्का है वो अंदर नहीं जाता। कितना तेज आवाज करता है, ऐसा लगता है जैसे किसी सॉलिड चीज पर मार रहे हो, लेकिन अंदर नहीं घुसता। गाइस यहां पर हथौड़ा आ चुका है बड़ा वाला और इससे मारते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। ये जो है अगर नॉर्मल चीज पे पड़ता तो भाई साहब फोड़ देता उसको। इन 3, 2, 1 गो। ओ
लेकिन अगर मैं इसको ऐसे नॉर्मली रख दूं तो देखो ये गया भाई बिना ठोके ही, बिना डाले ही गया, लेकिन जब मार रहा था तो नहीं गया। निकलेगा नहीं, खींचो। ये देखो तेरी। गाइस हथौड़े के बाद में अब नंबर है इस वेट का, ये है 10 kg वेट, 10 किलो वजन देखो। और इसको जमीन पर भी डालता हूँ, ये देखो गाइस इतना भारी है कि नीचे गिरने के बाद कितना अंदर जमीन में गड़ जाता है। 10 किलो लोहा है, इसमें डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। गो ओ गाइस ये भी नहीं डूबा, वेट किसी के सर पे पड़ जाए तो फोड़ दे भाई, देखो क्या बात है। हाँ भाई थोड़ा ध्यान रखना, ऊंचाई उछाल लूँ ठीक है। नहीं डूबा, वहाँ जाके डूबा। अरे 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 वज्जा भाई, देखा गाइस आपने कितना देर बाद में डूबा ये। तो भाई अब खेलेंगे क्रिकेट। इस तरीके से क्रिकेट खेल सकते हैं, सोचो इसके अंदर। अब है सबसे खतरनाक वाला चैलेंज इसके अंदर भाई, मैं इसमें बैठने वाला हूँ फिलहाल और फिर देखते हैं क्या होता है, इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो गाइस ये मैं गया इसके अंदर, धीरे धीरे डूब रहा हूँ गाइस। मैं इसके अंदर डूबने का जो एक्सपीरियंस है वो लेना चाह रहा था और मैं जो है बिल्कुल धीरे धीरे, पता है मतलब 1 सेकेंड में 2-3 mm इस रेट से जो है नीचे जा रहा हूँ। मेरी टांगे इसमें डूब चुकी हैं, अभी भी जा रहा हूँ मैं नीचे। मेरे को जाना पड़ेगा। तो भाई साहब मैं इसमें घुस गया हूँ और ये जो है एक बहुत बड़ी गलती है, एक ट्रैप है। एक हाथ निकलता है तो दूसरा जो है वो फंस जाता है, लेकिन जोर लगा करके ये भी निकाल लिया, लेकिन भाई मेरे जो पैर हैं वो हिल नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। और बड़ी मुश्किल जा रहा है। अरे 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 पैर मुड़ रहा। एक चीज निकालो तो दूसरी फंस जाती है, जैसे ही जोर लगाते हैं वैसे ही ये हार्ड हो जाता है और जैसे ही जोर लगाना छोड़ते हैं ये सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन जैसे कैसे करके भाई साहब खड़ा, तो मेरा अंगूठा मुड़ा हुआ है अभी इसके अंदर एक। तो गाइस अब जो है मैं इसके ऊपर गिरने वाला हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। इसमें गिर के उठ गया, देखो क्या बात है भाई। इसमें तो जो है इस तरीके से भी गिर सकते हैं और उठ भी सकते हैं, अंदर नहीं डूबते देखो, लेकिन ये वाला बढ़िया है भाई। क्या बात है भाई देखो, लेकिन अगर मैं इस पे ऐसे लेटा और बाहर नहीं निकला तो धीरे धीरे मैं गाइस इसके अंदर डूब जाऊंगा। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है, सही बताऊं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पानी के स्विमिंग पूल के अंदर हूँ। मेरे बालों को पकड़ लिया इसने, बाल खींच रहे गाइस। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना AMIT.YT पे सब लोग। ये सही है, इस पर लगभग 3-4 सेकंड रेस्ट कर सकते हैं उठाने के बाद में, लगभग 3-4 सेकंड जब तक ये अंदर जाए। धीरे धीरे अंदर जाता है मेरा सर, अगर इसमें पलटने की कोशिश करे तो गाइस चलो जी अब ठीक है। इसमें से दस्ते तो ज्यादा, क्या बोला तूने, दस्ते नहीं होते दस्ते जाते हैं इसमें, मतलब दस जाते हैं धीरे धीरे। ए
गाइस आपके लिए जो है सिर्फ आपके लिए मैं पूरा का पूरा फिलहाल इस उबलक पूल के अंदर घुस गया। मेरे मुंह में भी ये घुस रहा है। चश्मा गया, निकालो मेरे, इसको तो दिखी नहीं। कहाँ गया? यहीं पे है, नीचे है, यहीं पे है। ओ तेरी भाई, फंसा हुआ मैं, हिल नहीं पा रहा हूँ। अरे यार गाइस, मेरा जो चश्मा था उसका नुकसान हो चुका है यहाँ पे। और उठा और उठा भाई साहब, चश्मा देखो। ओहो, एक जगह पड़े पड़े तो ये इतना रिलैक्सिंग है, किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन गाइस सही बताऊं तो अब इससे बिल्कुल मेरा थोड़ा हिलने का मन कर रहा है, मैं हिल नहीं पाया। अरे क्या कर रहा है यार, क्या है, क्या चल रहा है, कर क्या रहे हो तुम पीछे? अब निकलते इससे बाहर। क्या कर रहे हो? अरे बाहर निकलना है मुझे, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। अरे बाहर निकलना है मुझे, मुझे अपने घर जाना है। निकाल, नहीं नहीं नहीं, बाल खींच रहे। ये क्या हो गया? मेरी आंख खोल दो, मेरी एक आंख खोल दो, ये वाली। हाँ, इधर से कपड़े से नहीं, बस खुल गई, खुल गई। तो गाइस यहाँ पर मैं तो आ चुका हूँ इसके अंदर। उत्तरी बालों में जम गया यार भाई, मुझे नहीं पता गाइस मैं कैसा दिख रहा हूँ, लेकिन ये बात मैं श्योरली कह सकता हूँ। क्या हुआ? ये बात मैं श्योरली कह सकता हूँ, ये जो चीज है दिस इज सेफ। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये केमिकल है। अरे क्या कर रहे ये कोई खतरनाक चीज नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर इसमें गलत तरीके से फंस गए ना और कोई निकालने वाला नहीं है तो भाई साहब सच्ची में प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें अगर आपका फोन या चश्मा या कुछ भी गिर गया, अगर आपको ध्यान नहीं है कहाँ गिरा है, भूल जाओ कि वो इसके अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा है। जब तक इसके ऊपर रहते हैं देखो तो कुछ नहीं होता, अंदर नहीं जाते, लेकिन जैसे ही रुकते हैं आपको पता है क्या होता है, अंदर पूरा का पूरा इंसान जो है वो भी धस जाता है। तो गाइस जो कुछ था वो आपको कुछ नया दिखाने के लिए था, आज जो हालत है वो थोड़ी ज्यादा ही खराब हो चुकी है। तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना गाइस, लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, रेगुलर अपडेट्स वहाँ पे आ रही हैं। जो लोग कह रहे थे नहीं आ रही, भाई जाके देखो तो सही, amit.ydv पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अभी पता है गाइस हम इस पूल को सुखा लेंगे, सुखाने के बाद इसको वापस से जो है ये पाउडर बन जाएगा, इसको दोबारा से पैक कर देंगे और चाहे जब फिर से इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है वैसे तो, फिर भी गाइस मैं ऐसे नाटक कर रहा हूँ कि मुझे दिख रहा है।